किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस में शुरू हुआ विवाद अब तक थमा नहीं है। पहले कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा कैंप के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और अब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हुड्डा कैंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरजेवाला ने कहा कि कोई नेता कांग्रेस छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है, पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस का एक साथी भी पार्टी छोड़कर जाता है तो उसका नुकसान और दुख होता है, एक कार्यकर्ता जाता है तो भी होता है, लेकिन अगर कोई नेता जाए तो ज्यादा नुकसान होता है। पार्टी के नेतृत्व को मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने अपने महत्वपूर्ण साथियों को खो दिया। किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ईमेल किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा में कांग्रेस को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। किरण ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मैं 4 दशकों से कांग्रेस की वफादार सदस्य रही हूं, लेकिन मेरे जैसी ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं। किरण चौधरी ने अपमानित किए जाने और साजिश रचने का भी आरोप लगाया था, जबकि श्रुति चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है। इस्तीफे के अगले ही दिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में किरण और श्रुति ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। उधर दोनों के इस्तीफे के बाद हरियाणा में आईएनएलडी के बड़े नेता अभय चौटाला ने दावा किया था कि कांग्रेस में अभी भगदड़ मचने वाली है और नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में बड़ा बवाल मच गया। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से सिरसा सीट से सांसद कुमारी शैलजा काफी खफा दिखी। उन्होंने नाम लिए बिना पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि मां बेटी के साथ अन्याय हुआ। कुमारी शैलजा ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ, पार्टी में बहुत ऐसे नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बर्ताव भी किरण चौधरी और उनकी बेटी के साथ अच्छा नहीं था। पार्टी के अंदर चल रही बातों को पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं जो मुझे कुछ सिखाएगा। मैंने बरसों से पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। हमने कभी भी पार्टी को छोड़ने की बात नहीं की, पार्टी को छोड़ने की बात ना ही कभी सोची और ना ही सोचेंगे। पार्टी में हम गर्दन ऊपर उठाकर चलते हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये दुख की बात है कि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं, बंसी लाल के परिवार से आते हैं, उनकी सियासत को बढ़ाई, श्रुति सांसद रही और इससे पार्टी को नुकसान होगा। उनकी बेटी की टिकट कटी, मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि अगर उनकी बेटी को टिकट मिलता तो वो भारी अंतर से जीतती। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। अच्छा होता वो पार्टी में रहते, पार्टी को उनका लाभ मिलता। हरियाणा में किरण चौधरी के इस्तीफे से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती नहीं दिखती, क्योंकि बावजूद लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के विधानसभा में पार्टी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अभी कांग्रेस में ही हैं और इन दोनों का हुड्डा कैंप से 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस की ये गुटबाजी आज भी जारी है, जिसकी एक झलक कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने दिखा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।